राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज पोर्टल पे अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। आपको सबको शायद मेरे जितने भी दर्शक हैं मुझे सुन रहे हैं और मुझे जानते हैं, आपको पता है कि मैं कुछ समय के लिए कर्नाटक में आया हुआ हूं और यहां बैठे हुए भी मैं आपको जो मुझे हम समाचार को इकट्ठा कर पा रहा हूं, मुझे जितना समय मिल रहा है मैं आपको उन समाचारों से अवगत करावा की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रही हो तो मैं उन समाचारों को इकट्ठा करवा में थोड़ा सा इकट्ठा कौन कर पा रही हूँ, उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ आऊँगा आपको हर समाचार आपको अपडेट मैं कराते रहूँगा। लेकिन हमारे पास आज एक दुख भरा समाचार है बाटोदास हो, और हमारे पास ये समाचार आज भेजा है और समाचार यह है कि प्रभुलाल माली अपनी जीविका को चला रही हो, बच्चों को पालन पोषण कर रही हो, कोरोना संक्रमण में कहीं न कहीं हर आदमी सेटलमेंट होगा की कोशिश कर रही हो, गंगापुर जब सब्जी बेचवा को काम कर रही हो और वह सब्जी ले जा रही हो तो अज्ञात भवन की टक्कर से वह घायल हो गई हो, उसको गंगापुर हॉस्पिटल में भर्ती कराए, लेकिन सीरियस होबा के कारण उनको जयपुर भर्ती करा दियो और उन्हें जयपुर दम तोड़ दियो। तो कहीं कहीं ये दुख भरी घटना है। तो हमारा आप सबसे एक हम कह सका साहब आपसे बता सका कि आप लोगों को थोड़ा सा सजगता से रहना है, क्योंकि आजकल हर आदमी के ऊपर एक तलवार सी लटकी हुई है। पहली बात, हर आदमी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन के साथ में कहीं न कहीं बच्चा के लालन पालन करवा के लिए वह काई काई धंधा रोजगार कर रही हो तो दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर है, वह प्रेशर के कारण आदमी में ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। तो आज जो प्रभुलाल सैनी है उनकी मृत्यु होगी तो दुख भरे समाचार है। हुकम कुमार हुकम सिंह मीणा जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग सर, कैसे हुकम जी? सर मैं कोई पर्सनल, मेरा जो पर्सनल काम था हुकम जी उसके लिए आया था, और जैसे मेरे को समय मिलता है तो मैं अपना जो जी न्यूज पोर्टल का काम है वो भी कर लेता हूँ। तो मैं सारा ही काम देखना पड़ता है सर, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए, हालांकि मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ कि ट्रेनिंग और थोड़ा सा घूमना और उसके बाद मैं समाचार को इकट्ठा करना, क्योंकि मैं समाचार इकट्ठा कौन कर पा रही हूँ अभी। और लोग है कि समाचारों को फ़ोन तुम्हारे पास बहुत कर रहे हैं, ऐसा कौन कि फ़ोन को ना रहे, फ़ोन तुम्हारे पास कम से कम 10-15 फ़ोन ऐसे आवे लेकिन वो फ़ोन नहीं कर पावे। और उनको जब मैं बोलूँ कि आप वहाँ की क्लिपिंग भेजो या वहाँ की कोई वीडियो हो तो वह भेजो, जब जा मैं उन चीज़ों को देख सकूँ और समाचार चला सकूँ, क्योंकि बिना प्रूफ के बिना आप जानो भी हो कि मैं बिना प्रूफ के बिना कोई काम कौन करूँ। तो आज भी कम से कम 4-5 हमारे पास फ़ोन आया और उनने मैंने कहा आप थोड़ा बहुत प्रूफ डालो उनका कि भाई यह आपको काम को नहीं और जैसी परेशानी हो, तो हम जब अधिकारियों से भी मुझे समय मिलेगा तो मैं अधिकारियों से बात करूँगा और उनका समाचार हम चलाएंगा। तो आप उसमें सारा जो जी न्यूज पोर्टल देख वाला हमारा दर्शक है उनसे हमारा केवल यह है कि आप बिना प्रूफ के बिना कोई चीज़ मत डाला करो, और फ़ोन तो आप मेरे को बिल्कुल मत करा करो। आपको पहले दुख लगा कि आप फ़ोन क्यों, क्योंकि फ़ोन करवा से मतलब को ना, अगर आपको फ़ोन करना हो ना तो उससे पहले हमारे 1200 नंबर पर आप लिख के और साइन कर पर्ची डालो कि भाई हमारे पास यह समस्या या परेशानी, वहाँ की आप फोटो डालो, जब हम उनको उठा पाऊंगा। अब आज हमारे पास 2-3-4 फोन आया, मैं आपको बता दूँ जाकोलास कला से हमारे पास फोन आया कि बिना पटवारी के हमारे जो KCC को काम रुक पड़े हो, हमने तहसीलदार साहब से बात करी या नायब साहब से हमने बात करी तो उनको ऐसा पटवारी का साइन करवा ले। अब पटवारी चल रहे हड़ताल पे तो करा कहें उनसे, मैंने कहा आप एक बार लिख और आपकी समस्या को लिख और हमको डालो, और लिख डालेगा तो हम अधिकारियों से बात भी करेंगे और उस समस्या को समाधान करवा की कोशिश करेंगे, या कोई पटवारी वहाँ लगावा की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसा करो साहब, क्योंकि बिना लिखे मैं आपको रोजिना कहूँ और शायद आप कहूँगा नहीं, आप क्या बहुत ज़्यादा फ़ोन मार साथ करवा लग गया आप, तो फोन से काम कौन चला। आप जो भी समस्या है, बहुत सारे लोग क्या साहब हमारा हेडपम्प खराब है, तो साहब बताओ मैं हेडपम्प खराब है तो मैं तो सुधार बस रही हो, आप हेडपम्प की फ़ोटो और 2-5 आदमी की एक एप्लीकेशन लिखवा और साइन कर हमको दो। आप भाई आप सरपंच को नहीं दे पावे, PWD को तो उनको नहीं दे पावे, PhD विभाग में आप नहीं जा पावे, तो कम से कम को लिख कर देवा, क्यों बिना लिखे हम कोई। अब आप तो कहेंगे रहा भलो रे बचाओ और न बाप जी लोकेशन बताओ न हेडपम्प को फोटो भेजो, तो कहीं ना कहीं हमको भी जब अधिकारी से बात करें तो प्रूफ बताओ में परेशानी आ रही है, तो हम अधिकारी से बात कौन कर सकते, क्योंकि आप प्रूफ देगा तो कहीं हम अधिकारी से बात करेंगे, अधिकारी भी हमसे पूछो कहाँ को कहीं परेशानी है, क्या परेशानी है, कैसा परेशानी, तो हमको बता बिल्कुल सक्षम होगा। तो आप
फोन तो बिल्कुल नहीं करे तो बढ़िया है, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ तो कहीं भी हमें फोन को आप, हो सकता है मैं फोन को ना उठा पाऊँ या कोई कारण कार हमारा कोई कारण रहे, तो आप केवल वहाँ की फोटो डाल दो और उसके बारे में लिख दो, तक हमको पता चल सके वो चीज़ को हम उठा लेंगे आपस में जा। दूसरा समाचार हमारे पास बोली सु है, जो कि आपके हमारे जो पत्रकार है उन्हें आप वहाँ से लाए भी चलाई, और समाचार ये है कि साहब बोली का बाजार में आड़ा तिरछा बहन लगा बसो, हमारे पास कोरोना को समय अभी निकले को नहीं, सवाई माधवन में कोरोना चल रही हो, लेकिन कोरोना को समाप्त करवा हम बहुत कदम दूर है को मात देवा में, तो आड़ा तिरछा बहन अंशु कहीं न कहीं लोग चक्को जाम हो जावे, बाजार में जाम लग जावे, और उस आवागमन में हमारा जो भाई है हमारे जो आवागमन का लोग है उनको काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ रही हो, तो आप ये आड़ा तिरछा बहन हो तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, जो बोली प्रशासन है उसको कहीं कहीं सोचना चाहिए कि आड़ा तिरछा जो बहन है अभी कोरोना से हमको थोड़ी सी छूट मिली है, हम पूरी तरह से आज़ाद को नया, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे और थोड़ा सा ये आर्डर तीसरा वाहन को सही करवाने की कोशिश करे, काफ़ी सारा दुकानें का कहीं पर है कि जो ग्राहक सामान लेवा जो गाड़ी को वहीं खड़ी कर दे सड़कन पर, और बस सामान ले बग लिया, या दुकान वाला है जो वो अतिक्रमण कर ले सड़कन तक पहुँचा दे, टेबल लगा दे कुर्सी लगा दे, तो कहीं ना कहीं इनको भी सोचना पड़ेगा और प्रशासन को सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा, जब जब हम इस पर अंकुश लगा पाऊंगा और जो अतिक्रम है जो ये वाहन की परेशानी है ये हम नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि बिना जगह के वाहन के भी खान निकालेगा, लेकिन कहीं कहीं अतिक्रमण के कारण यह समस्या आ रही है, तो प्रशासन बोली को है ये पे ध्यान देगो और आपकी जो समस्या है ये आडा टीचा वाहन लगा कि आवागमन की यथम से कम हो जाएगी। और आज ग्राम पंचायत में हालांकि हमारी बात हुई को नहीं साहब, क्योंकि आपको पता हो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पास हम थोड़ा सा घूम बस चल जावा, यहाँ बिल लगातार बारिश हो रही है तो कहीं जगह को टाइम भी कौन मिल पावे। दूसरी बात है आपका जो ग्राम पंचायत है वहाँ से कोई समाचार है तो आप हमको डाल दे, मैं कहूँ बिना प्रूफ के बिना कोई चीज़ मत डाल करो, चाहे वहाँ की फोटो डालो चाहे वहाँ लिखा डालो, कम से कम वह चीज़ को तो आप कर करो ताकि हमको मालूम चल सके। आपको पता हो आज हम कैसा कैसा कैसी कैसी परेशानी में आज आपकी सेवा में लग रहे हैं, जी न्यूज़ पोर्टल बराबर आपको समाचार हम उठावे में कोशिश करें, लेकिन आप हमको डालेगा जब भी तो हम वो चीज़ को उठा पाऊंगा, तो आप समाचार भी डाला करो और जो चीज़ है वो फ़ोन से ज़्यादा आप हमको लिख रहे बता दें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग वाकई हमको ज़्यादातर फ़ोन ही फ़ोन करे जावे, दरा मर फोन करे जावे, तो भाई साहब हमारी भी कोई पर्सनल जिंदगी है, हमारा भी बाल बच्चा है, हम 24 घंटा चैनल में कौन लगे रहे, क्योंकि जब हम घर रहे वहाँ जब आप एक बार भी फोन फोन करें या हमको आप अवगत कौन करावे, और जब हम पर्सनल काम से कहीं बाहर जावा ना तो कहीं ना कहीं आपको इशू लगेगा कि भाई हमको अब हमारा काम पड़ेगा अर्जेंट, तो आप ऐसा मत करो, फोटो है जो को लगा और बाकी पूरा डिटेल बहुत सारे लोग हमको डिटेल भेज दे, एक फोटो भेज दे अगर वो डिटेल को बताओ कौन सी जगह कहीं है, कौन सी मोहल्लो कौन सी गली है कहीं है कहीं कोई बताओ को नहीं, और फिर कैसे आप समाचार लगेगा कौन लगेगा, अरे समाचार लगेगा जब भाई जब तुम उस चीज़ को पूरी हमको सटीक जानकारी देगा, तो जानकारी देवा काम आपको करना पड़ेगा और समाचार लगावा को और प्रशासन तक भेजवा काम हमारो है, तो आप थोड़ा तरीका से काम करो तो बढ़िया काम हो जाएगा वो, और आपके प्रशासन भी सुना को और हम सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। दूसरों समाचार सवाई माधोपुर से हम ले वहाँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का हमारे पास दो ही समाचार है, मैंने कहा आपको मैं कोई को फ़ोन कौन कर पाए, आपने कोई ना समाचार भेजा को नहीं, और भेजे तो आप आए कर फ़ोन करें सीधा साहब हमारे यह समाचार है, आप कम से कम लिखकर बताओ हमको कोई भी चीज़ के बारे में। भारत प्रोजेक्ट आवास भूमि से अतिक्रम हटाया गया हटायो, और उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा के नेतृत्व में कुस्तला एवं मुई गांव में मुई गांव के पास जहां भारत माला प्रोजेक्ट के लिए जो आवत जो भूमि आवंटित हुई है उनमें कहीं ना कहीं लोगों ने अतिक्रमण कर लियो, तो ये अतिक्रमण को सरकार के प्रशासन के द्वारा हटा लिए गए हो हटा दिए गए हो, तो कहीं कहीं अच्छी प्रशासन की अच्छी फेल है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से पात्र जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी, अब यह सहायता मिलेगी कैसे मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय निगम की जो योजना है जो कोरोना संक्रमण का जिनका परिवार में जो कोई ट्रेजरी हो गई जो कोई मर गया तो उनको यह राशि मिलेगी, और सारा समाचार आप जी न्यूज़ पोर्टल पर जो हम पूरी बारीकी से वो आपको हम दिखा सकें, मुको आप फेसबुक यूट्यूब ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम जहाँ भी आप जाओ वहाँ मुको फॉलो कर सकें और वहाँ से सारी चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि हम सारी चीज़ को वहाँ डालूँ तो वहाँ आपको मिलती मिलेगी, और हमारा जो सभी दर्शक है मैं एक बार बताऊँ आपको कि अगर आपको या आपको बहुत बड़ी दुख की बात लगेगी, आप अगर यह चाहो कि हमारी जो समस्याओं को समाधान हो हमारी परेशानियां मिटे
तो कहीं कहीं आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो पहले सहयोग तो कहिए कि आपको अपना क्षेत्र का जो समाचार है वो हमको पूरी जानकारी के साथ में डालना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम आपको लाइव पर लेवा या हम लाइव चलावा तो आपको यह लाइव को शेयर करना पड़ेगा संबंधित जो कोई अधिकारी का नंबर आप हम तो अलग करेंगे, लेकिन आप भी समाचार है आपका, हम अभी लाइव आ रहे हैं तो आप भी लाइव को तुरंत शेयर करो। अगर आप 50 आदमी भी देख रहे हैं हमारे लिए देखो ना, 5,000 देखो या 25,000 देखो, अगर हमारे पास आप 50 आदमी भी हमको लाइव देख रहे हो, हमारा दर्शक 5 भी देख रहे हैं, तो कहीं कहीं 5 भी अगर लाइव को शेयर करेगा ना और तो 5 शेयर हो जाएगा। अगर 5 शेयर हो जाएगा और संबंधित विभाग तक पहुँचेगी तो ये को समाधान 100% होगा, या आपको आप कागज में लिखवा लो। लेकिन अगर नहीं पहुँचाएगा तो समाधान हो भी जाएगा नहीं हो जाएगा की कोई गारंटी बनी। तो कहीं कहीं आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपको करवाना हो, और जिसका अधिकारी का नंबर है वो अधिकारी के पास भी आप शेयर करो, अपना मिलवाला तो उनके पास भी आप शेयर करो। अगर आप शेयर ही नहीं करें, अगर आपने खुद ने देखी आप राजी हो जाएगा, हाँ साहब जी न्यूज़ पोर्टल हम देखा बात आपने काम की हम देख रहे हैं, तो मजे वाली बात को नहीं। अब यहाँ से आया बाद में मैं भी बहुत कुछ परिवर्तन करूँगा, आपको भी बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा परिवर्तन करो ताकि हमको मजा आवे। तो और ज़्यादा देखो हमारे जब हमने शुरुआत में लाइव ली तो 80-90-100 शेयर हो गया, और अब हम जब बात करा तो और जब जो शेयर बढ़िया ना तो कई प्रशासन अधिकारी हमारे पास फोन आया कि सर एक दिन में समस्या का समाधान कर। कल हमारे पास न्यूज ही बरनाला की, और बरनाला की न्यूज तुरंत उस समस्या का समाधान हो गया। एक गाय ने आवारा पता नहीं किसान गाय परेशानी हुआ गाय, लेकिन वह आदमी को मार रही, और हमने जब हमारे पास उसको सूचना पहुंची और हमने ग्राम विकास अधिकारी से बात करी समाचार में, और समाचार में हमने उस प्रश्न में बात करी तो कहीं कहीं वह गाय को समाधान हो गया। तो आपकी जो समस्या को समाधान होगा जरूर है, लेकिन होगा कब, जब आप इस समाचारों को संबंधित विभाग तक पहुँचाओगे। अब आप यह सोच सके सर हम ही आपका समाचार लगा, हम ही संबंधित विभाग से पहुँचाऊँ, तो वैसा हमारा काम पत्रकारों का काम कहीं है केवल आपका समाचार उठा लगा आपका संबंधित विभाग तक तो आप भी पहुंचा सके अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपको करना हो तो। कहीं कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपको भी निभानी पड़ेगी। अब अगर मैं कोरोना की बात करूं तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आज 2 कोरोना पॉजिटिव आया, 10 एक्टिव केस अपना बचा, ज़्यादा केस भी कौन बचा अपना, केवल मात्र 10 ही अपना एक्टिव केस बचा। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही जो परेशानी है उसको हम खत्म कर रहे हैं, और सटीक तरीका से कोरोना को हम मात दे रहे हैं, और उनको हम कदम चंद कदमों की दूरी पर हम उनको मात देंगे। तो यह है रिपोर्ट, लेकिन आपको जागरूक जरूर रहना होगा। अगर आप जागरूक नहीं रहेगा, देखो कोरोना को हमने मात दे दी अच्छी बात है, आपका सहयोग सु और सबका सहयोग सु, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को हमको नोटिस में भी रखना है, और यह भी देखना है कि हमको कहीं न कहीं सावधानी तो बरतनी है, जो भी आपसे सावधान हो सके, हाथ धोबो नहाबो धोबो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क जो जो मतलब आपके हिसाब से कहीं कहीं आपकी सुविधा आपके साथ में, क्योंकि आज हमारा जो सरकार ने मार्केट खोल दिया बाजार खोल दिया सब जगह को छूट दे दी, तो उनमें से कहीं कहीं 1% 2% तो कोरोना पॉजिटिव कौन कोई है ही, और हो सके उनका टच में आवाज हम बहुत ज़्यादा बूम हमारे पास कर जाए, तो हम सारी चीज़ों को रोकवा के लिए कहीं कहीं हमारी जो जिम्मेदारी है ना उस जिम्मेदारी से हमको चलना पड़ेगा। और आज आप कॉमेंट डाल सको, क्योंकि अभी बिजली आ रही है, यहाँ क्या ऐसा माहौल है कि बारिश लगातार हो रही है और ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश के साथ में कभी भी लाइट कभी चल जाए कभी, क्योंकि यहाँ बरसात के कारण कभी कभी कहीं भी परेशानी आ सके। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन अधिकारी है, यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो आम जनता इतनी जागरूक है कि आप पूछो मत, तुरंत एक अगर छोटा सा छेद भी हो जाए कि तुरंत कंप्लेंट करें और तुरंत संबंधित विभाग समस्या को समाधान करवा कोशिश, और वह समस्या का समाधान हो जाए तो कहीं कहीं आपको भी साफ करना पड़ेगा। मैं आप थोड़ा सा आपका, क्योंकि हमारे पास समाचार यही है 2-3 समाचार हमारे पास, और शायद वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है, और ठंड के मारे मतलब हमारी आज हालत ख़राब है, हमको अंदर भी पहनना पड़े और बाहर भी पहनना पड़े, हमारे हीटर को हमको जो गीजर वगैरह गर्म ऐसी उनको हमको चलाना पड़े, तो कहीं कहीं यहाँ वातावरण में वहाँ के वातावरण का डिफरेंस है। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप लोग सक्रिय नहीं होगा, देखो यहाँ का लोगों ने हमारी बात हुई तो यहाँ का लोगों ने एक छोटी सी बात हो ना वो बात को भी संबंधित विभाग तक बिल्कुल पहुँचावे कि साहब ये हमको ये परेशानी है और ये का समाधान होना चाहिए। तो यहाँ अभी हमारी एक अधिकारी से बात हुई और उनसे उनने बोली कि साहब आप लिख के दो, संबंधित विभाग वाला ने लिख के दे दी, फाइल रजिस्टर में डाल दियो, और 4 घंटा के अंदर सुबह वाले लिख दी, 4 घंटा के अंदर वहाँ टीम पहुँची और उनकी रिपेयरिंग होगी। आप बताओ प्रशासन आपसे बटोको नहीं साहब,
लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। मैं बोलूँगा जागरूक होना पड़ेगा आपको जब तक आपको पास। बहुत सारे लोग कहीं हमको उल्टी सीधी बात में लिखे कॉमेंट पे, सब ऐसा हो गया और फलाना हो गया, तो आप ज़्यादा ज्ञान भी मत दो कोई को, क्योंकि ज्ञान देवा से काम कौन चले। आपको अपने तरीका से काम करो, जनता को जनता के तरीका से काम करवा दो और हमको हमारे तरीका से काम करवा दो। हम आपका दिमाग से काम करता तो शायद बहुत सारी चीज़ है जिनको समाधान कौन हो, तो आप अपना और उम्र कहीं बहुत सारा आपने कहीं कमेंट लिखे हो, सामने वाला ने कहीं कमेंट लिख दियो, तो आप खींचता मत होता, आपको जो अच्छे लगे आप लिख दियो, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। सामने वाला कहीं लिखे हो वह लिख दियो, लेकिन आपस में छोटी छोटी बातें पर हम ऐसा थोड़ी सी बल लेके आंगन कटास बना तो वह अच्छी बात को नहीं। तो अब हम आपको बात करें, आप कमेंट चाहो तो लिख सको, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा फ्री हूँ 10 से 15 मिनट तक लिए, तो हम आपका कमेंट को पढ़ सकें और आपसे हाई हेलो भी हमारी हो सके। और मैं क्यों यहाँ, अब मैं आज यहाँ की बात करूँ तो हमने आज यहाँ जैसे हमको टाइम मिले, यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश होबा के साथ ही जब हम घूमया तो हम 15 से 20 किलोमीटर से पैदल पैदल घूमते चले गया। वहाँ हमने केला का पौधा भी देखा, और केला जो आपने वहाँ है ना कर्नाटक के सकलेशपुर घाट की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे दर्शक के सब कहाँ हो कैसे हो कैसे, मैं सारी चीज़ आपको लिखूँ, उसके बाद भी आप पूछो कहाँ हो कैसे हो किस प्रकार हो कौन सी जगह। हम कर्नाटक के सकलेशपुर घाट पे आसपास देखते हैं हमको छुट्टी और ट्रेनिंग किसी टाइम मिलने के बाद में। तो यहाँ हमने आज बात करी केला की, तो अपना वहाँ का केला मेरे यहाँ का केला में डिफरेंस है, क्योंकि आपने केला थोड़ा बड़ा हो, यहाँ का केला थोड़ा छोटा हो, और जो छिलको है ना बिल्कुल बारीक छिलको हो आपको, और मिठास देखो हमें बहुत जोरदार मिठास है, बहुत गजब को है, बहुत गजब है। वो क्या बात है, हमने एक आपको कटेर को भी दिखायो और हमने आपको कटेर को हाथ लगा देखो, दो तीन तरह की यहाँ कटेर है। एक कटेर को आप अपने तरबूज और खरबूजा के नाम आप खा पी सको, जो भी बहुत बढ़िया लगती उठाई और मिठास भी बहुत बढ़िया हो। दूसरी बात हमने आपको एक काली मिर्च की बेल दिखाई, काली मिर्च की बेल को यहाँ का करा है कि बड़ा लंबा लंबा जो पौधा हुआ है ना वो पैदा पर काली मिर्च को बेल को चढ़ा दे, और अभी छोटी छोटी बारीक बारीक काली मिर्चों में आबो चालू हो गई हो, और आवाला जनवरी फरवरी में शायद वह काली मिर्च बड़ी हो जाएगी, काली मिर्च बहुत शानदार। दूसरी बात हमें काजू को पेड़ भी यहाँ देखियो, तो कई प्रकार का हमने पेड़ देखा, कई विभिन्न प्रजाति का पेड़ देखा हमने, और बाबा आपको मैं लाइव दिखावा की भरपूर कोशिश करूँ, आप देखते जाओ उनको आनंद लियो और वहाँ मजा से लियो। हम हमारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और हमारा अगली जो पार्ट है हम आपको वह चीज़ दिखाऊँ चाहूँ, क्योंकि नारियल पानी आपने भी पियो हमने भी पियो जनता भी पी रही है, लेकिन डिफरेंस कहीं है वह पेड़ में से कैसा नारियल को तोड़े, काई उनकी टेक्निकल है, काई विचार है, वह चीज़ को हम आपको बहुत जल्दी दिखावा की कोशिश करेंगे। हमारी बात चल रही है यहाँ के लोगों से, और बरसात के कारण सही तरीके से हम उस चीज़ को कौन कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे भी राहत मिलेगी आधा पौन घंटे की यहाँ के लोगों से हमारी बात हो गई है, और वो बात के माध्यम से हम उनको बातचीत कर भी दिखावा की कोशिश करेंगे। एक हमने की यहाँ जंगल में पास में हाथी भी है सब एलिफेंट, तो वो एलिफेंट को वो हाथी को भी हम आपको दिखावा की जीनित पोर्टल पर बात पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से ना तो वो जंगल थोड़ा बाहर आ पा रहे हैं ना हम अंदर जंगल में घुस कौन पा रहे, क्योंकि अंदर यहाँ जंगल में और प्रकार का कीड़ा को डरको नहीं, लेकिन यहाँ जोंक बोले कि वह जोंक बहुत ज़्यादा है, और वह जोंक है ना आदमी के हाथन में पाँव में इनमें चिपक जावे तो कहीं कहीं वो थोड़ा सा डर है, तो वह भी हम आपको दिखावा करेंगे। और काफ़ी सारा जो दृश्य है यहाँ जो मनमोहक है अदर ऐसा बहुत शानदार है, तो उनको भी हम आपको दिखावा की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हमारा काम से तो हम आए हैं यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमको देखने को मिल रही है जो चीज़ हमारा वहाँ आसपास को नहीं। तो बहुत सारे लोग दर्शक हमारे जो जुड़ तो रहा है, अब पता नहीं शेयर कर रहा कौन कर रहा, अभी हमारे पास जो रेड बटन है ना वह बाखोबा चालू है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप हमसे खुश को नहीं, कोई बात नहीं अगर आप खुश नहीं है तो, लेकिन हमारा जो काम है वह हम बराबर कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी, आप शेयर करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो अच्छी बात है। और हमारे आया के बाद में जब मैं गांव आ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारे अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से और टेक्निकल तरह से हम उनको चालू करेंगे, हमको जो चीज़ की आवश्यकता ही भामाशाह की बस ऐसे शांत हो गया बिल्कुल घर पे बैठ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम हमारे हिसाब से जैसे हमसे बनाई पाओ वो समाचार हमसे चलाते रहेंगे, और अगर आप सहयोग करें, मैंने आपसे कहो कि कोई भामाशाह अगर हमको जैसे हमारा पिछले कई भामाशाह ने सहयोग करो तो हमने बहुत सारी चीज़ खरीदर भी रख दी, बहुत सारा भामाशाह ने हमको आश्वासन दिया हम ये चीज़ हम दुआ देंगे, और अभी हम शायद आवाज़ में भी टेक्निकल परिवर्तन करवा की कोशिश करें, क्योंकि आवाज़ भी कभी कभी चल जाएगा, कभी आओ कौन दर्शन को, तो हमारे जो भामाशाह है उनने हमको बहुत सारी चीज़ दिलावा को भी बात करी हो, तो हम
वो भी हो सके हमको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप भी थोड़ा सा सक्रिय हो जाओ। और मैंने कि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर हमको सहयोग करेगा तो हम बेहतर से बेहतर करावा की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप जानो काय हो गए। और खुशखबरी है मेरे लिए बहुत खतरनाक खुशखबरी, क्योंकि मेरा मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद उस जगह पे मेरा प्रमोशन हो सकता है, तो हो सकता है मैं आपसे अब विदा ले सकता हूँ, लेकिन इस साल जनवरी तक मैं विदा लूँ, क्योंकि आप जब कोई चीज़ को शेयर ही नहीं करेगा, जब कोई कुछ हमको बताएगा नहीं, तो काम करवा मजा को ना, काम करवा में हमको यहाँ मजा आवे जहाँ कहीं न कहीं हमको आप भी रुचि दिखाओ और हम भी रुचि दिखावा। आज हम मैं यहाँ को 3-4 दिन मौको हो रही हो और यहाँ का लोगों ने मौको हायर करवा कोशिश करी है कि साहब हमने मैंने 2-3-4 लोगों को वीडियो दी और वो वीडियो को उन्होंने बहुत गजब से देखी, हमसे जो मिला तो कहीं ना कहीं हम हमारा तो हमारा भी मकसद हमारा भी बाल बच्चा सब, तो हमको भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि हम समाचार से हमारे कोई अर्निंग तो हो को नहीं, कि हमारे समाचार से अर्निंग हो रही है कि हमारा बाल बच्चा को, हमको बहुत तकलीफ को सामना करना पड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं हमको भी सेटलमेंट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमको फोन कर रहे हैं साहब ऐसा कौन हो फलाना कौन हो बा कौन हो, तो भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम है केवल समाचार चलावा का, और वो समाचारों को अगर आप संबंधित विभाग तक भेज देगा और प्रशासन सुनोगे तो आपको काम हो जाओ, नहीं तो हम भी गारंटी को ले, सीधी सी एक टप्पा की बात है। तो आप बने रहो जी न्यूज पोर्टल को, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि आपकी जो समस्या है उनको समाधान। और मैं तो उस बात बताऊँ, आप फोन करवा से ज्यादा आप हम मुझे लिख के डाल दिया करो, और लिख के डालो ना आप, तो पूरी जानकारी डालो करो, बिल्कुल कतई मत डालो करो, क्योंकि हमारे पास समाचार बहुत है और हम कहीं से हमको चलाना है तो हम कहीं से समाचार उठा लिया। बहुत सारे आदमी फोटो डाले और फोटो को डाल हमको छोड़ दे कि साहब, या फिर फोन करे कि साहब यार समाचार लगाना है, तो भाई साहब अब कहाँ तक हम फोन उठावा और वह फोटो किसान लगाओ, प्रेस नोट है तो आप प्रेस नोट डालो, लिखे और कागज पर लिखकर साइन कर अगर आप डालेगा तभी समाचार लग पाएगा, चाहे वो आपकी नाली की समस्या को बहो, चाहे वो आपको पानी की समस्या को बहो, चाहे और कहीं और की समस्या को बहो, हम जब भी उन समाचारों को लगा पाऊंगा, क्योंकि आप बहुत हमने भी बहुत आपके समाचार लगा दिया और बहुत आपको कोऑपरेट किया, लेकिन आप हमको जब दुख जब हो रही हो आज की, फोटो तो बहुत डाले हैं लेकिन ऊपर आगे पास लिखे वो नहीं कि कायम कहीं करना है वो, और फिर फोन करे चाहे मैंने आपको फोटो डाल दी ऊपर लगानी है, अरे भाई साहब लगानी है लेकिन वो फोटो में है कहीं है वो बताओ ना, हमारे पास भी तो कुछ सामान चाहिए ना, काय के लिए आपने फोटो डाली है, काय परेशानी है काय नहीं, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और आखिरी में आपको मैं बताऊँ पेट्रोल डीजल के वो जो भाव है, आज हमारे पास जो जानकारी मिली है पेट्रोल और डीजल में आज कोई बढ़ोतरी को नहीं, भाव कल की ना झुकती हुई है, तो आज को कहीं भाव रही हो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, पेट्रोल का भाव 104 रुपया और 13 पैसा लीटर जारी हो आज भाव, और डीजल है 97 रुपया और 23 पैसा हुआ 1 लीटर रही हो यही को भाव रही हो। अब मैंने समाचार पढ़ दिया, बहुत सारे लोग अभी भी फोन कर रही है हमारे पास डिस्प्ले पे मुझे दिख रही हो, तो आप कम से कम या तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपकी मर्जी है, हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हम आपके हिसाब से कौन चला, अगर आपके हिसाब से चलता तो शायद हम आज पत्रकार कौन होता और अतः हम पॉपुलर भी कौन होता, क्योंकि हमको बहुत चीज़ को देखना पड़े जो चीज़ सही है, और मैंने आपको 1000 बार कह दी कि जो चीज़ सही होगी वो हम चलावा की कोशिश पूरी कोशिश करेंगे और उनकी समस्या को समाधान करावा की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप फ़ोन कर ही बताओगा साहब हमारे पास यह है, हमारे पास पद रिक्त पड़े हो और वहाँ कोई अधिकारी को नहीं, तो आप हमको लिख दो, आपके अधिकारी नहीं सुने तो हमको लिख दो, जब हम संबंधित विभाग से बात करेंगे साहब हमारे गाँव में फलानी जगह पर यह पद रिक्त पड़े हो और जनता को समस्या हो रही है, यू को आप तो यू को भरो या कोई बेकली व्यवस्था करो, तो आप लाइक तो आप करो ही, कमेंट में आप लिखो ही, लेकिन कमेंट में और लाइक करवा से पहले आप शेयर भी करो ताकि यह पहुंच सके जहाँ वीडियो को पहुंचनी चाहिए। और हमने आपसे की कि हम आज आपसे कमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने शायद कमेंट कौन लिखवा पाए हो, तो बहुत अच्छी बात है आपने नहीं लिखे तो, और हम आपसे ले विदा, फिर कल हमको जैसा भी टाइम मिले वो हम आपके सामने रहेंगे, और देखूंगा मैं कल सिचुएशन जो भी सिचुएशन है हमारी, लेकिन मुझे टाइम मिले वो आपको समाचार में बेहतर होंगे, आपका जितने भी गांव का एरिया का समाचार है उन समाचारों को आप पूरी जानकारी के साथ मुझको भेज सको, तब जा रही हम आपको समाचार चला पाऊंगा, जब तक के लिए राम राम।